हे माइंड मिशान, तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक बड़े एजेंसी की डिजाइनर अपने डिज़ाइन को कम टाइम पे बनाकर उसे परफेक्टली क्लाइंट को डिलीवर कर देता है। सो इस प्रोसेस को समझने के लिए आप इस वीडियो को फुल वॉच करना। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लिया। विड्थ एंड हाइट सेम है 1080, ठीक है। एंड जस्ट मैंने यहाँ पे एक स्विगी का मैं पोस्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आप गूगल से स्विगी का लोगो यहाँ पे प्लेस करोगे, ऑलराइट। एंड देन यहाँ पे हम लोग इलिस्ट टूल पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक को बंद करेंगे, फिल पे जाएंगे, ठीक है। एंड उससे पहले यहाँ से मैं इस कलर को पिक कर रहा हूँ, ऑलराइट। एंड देन इलिस्ट टूल पे जा करके इस कलर को सिलेक्ट करेंगे फिल में, एंड शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके इसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड जस्ट इसे अपन यहाँ पे सेट कर लेंगे। आप किसी बड़े ब्रांड के आप पोस्ट देखोगे, ठीक है, तो वो लोग उसके जो डिज़ाइनर होते हैं बहुत ही मिनिमलिस्ट टाइप के डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। बड़े ब्रांड के आप जब भी डिज़ाइन देखोगे तो वो उन लोग बहुत ही मिनिमलिस्ट टाइप के डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वो लोग कैसे इस डिज़ाइन को कम समय में क्रिएट कर लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट हम प्लेस करेंगे बर्गर का इमेज, ठीक है। ये फ्री पिक से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। ये गूगल पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप जस्ट यहाँ पे उसे प्लेस कर लेना। एंड प्रेस कंट्रोल टी करके हम इसे बिगर या स्मॉल कर लेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट करेंगे। एंड जस्ट यहाँ से क्लिक करके एक शैडो क्रिएट करेंगे, ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से ब्लैक कलर पे जाएंगे, एंड ऑल टू बटन को होल्ड करके इसे माउस की मदद से ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे क्लिक करके प्रेस कंट्रोल टी करेंगे, एंड इसे शिफ्ट को होल्ड करके इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ऑलराइट। एंड कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पे से हम एडजस्ट कर लेंगे शैडो को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसके ओपेसिटी को अपन डाउन करेंगे, ऑलराइट। एंड देन मैं यहाँ पे इस शेप को अभी के लिए इसे लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे से अच्छे से प्लेस कर लेंगे, सेंटर अलाइन कर लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट। एंड मैंने फॉन्ट लिया है, फॉन्ट का नेम है मैड्रिस करके, ठीक है। एंड ऑब्वियस कलर हम लोग यहाँ पे लोगों से मैंने यहाँ पे पिक किया है। एंड जस्ट यहाँ पे मैं एक कंटेंट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख रखा था, गूगल से ही मैंने निकाला है, स्विगी के पोस्ट से। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इस कंटेंट को पेस्ट किया। एंड अगेन इस टेक्स्ट को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, गेट टुगेदर कॉपी करके, एंड जस्ट इसे अलाइन करेंगे, ठीक है। अलाइन करने के बाद आप इसे और डुप्लीकेट करोगे ऑल्ट को होल्ड करके, ठीक है, डबल क्लिक करके इसे पेस्ट करेंगे, ऑलराइट। एंड प्रेस कंट्रोल टी करके हम लोग इसे थोड़ा बिगर करेंगे, ठीक है। एंड इसे हम लोग और थोड़ा बिगर करेंगे, एंड देन यहाँ पे इसे सेट कर लेंगे। एंड अगेन इसे डुप्लीकेट और डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कंटेंट मेमोरेबल यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, प्रेस कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड इसे हम इस कंटेंट को हम लोग टाइपोग्राफी की मदद से इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। टाइपोग्राफी आप जितना अच्छा करोगे, आप जब भी नॉर्मल पोस्ट आप क्रिएट करोगे तो उस पर वो डिज़ाइन पर वो जान आ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने टाइपोग्राफी को अच्छे से प्लेस करो, ऑलराइट। एंड जस्ट मैंने यहाँ पे इन सारे को सिलेक्ट करके से सेंटर लाइन किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग एक शेप क्रिएट करेंगे इस टेक्स्ट के नीचे में, ठीक है। तो रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैंने ब्लैक लिया, एंड जस्ट एक शेप ड्रॉ करेंगे समथिंग लाइक दैट। एंड इसे स्क्वायर करेंगे टेक्स्ट के जैसे से नीचे प्लेस करेंगे, एंड इसके कलर को हम लोग वाइट कर लेंगे, ठीक है। एंड अगेन इस शेप को और डुप्लीकेट करेंगे ऑल्ट को होल्ड करके, ठीक है। एंड इसे थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे, एंड इसके कलर को वाइट कर लेंगे, ऑलराइट। एंड गेट टुगेदर को हम लोग थोड़ा सा बिगर करेंगे, ठीक है। एंड इसके कंपेयर में इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा और अलाइन कर लेंगे। आप जितने अच्छे से टाइपोग्राफी यहाँ पे करोगे, आपके कंटेंट और आपके डिज़ाइन में उतना ही जान आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के साथ इटैलिक वाला यूज किया है, ठीक है। अब नॉर्मल में वो फील नहीं आता है, ठीक है। तो आप इटैलिक इस टाइप के पोस्ट में आप ट्राई करो कि इटैलिक का यूज करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही
लाइट यहाँ पे टेक्स्ट लिया है इसका, ठीक है, लाइट मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ एंड इसके और इसके फॉन्ट को हम लोग थोड़ा सा बिगर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एंड जस्ट इन सारे को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से प्रेस कंट्रोल टी करेंगे, सॉरी सारे को सिलेक्ट करके प्रेस कंट्रोल टी करेंगे एंड थोड़ा बिगर कर लेंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस वाले बर्गर के इमेज को हम लोग यहाँ पे ऊपर प्लेस कर लेंगे, ठीक है, एंड जस्ट इसे यहाँ पे प्लेस कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक एरो एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है, ऑल्ट को होल्ड करके इसे हम लोग ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड ये वाला ग्लैप्स का ऑप्शन आप यहाँ पे अगर आपको नहीं विजिबल हो रहा हो तो आप यहाँ से विंडोज में जा करके इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ठीक है, इसे ऑन किया एंड इसके नीचे में आके आपको इस टाइप के एरो आपको मिलेगा, ठीक है, ये फॉन्ट पे डिपेंड करता है, किसी किसी फॉन्ट में ये विजिबल नहीं होता है, ठीक है, तो आप उसको देख लेना, तो मैंने जस्ट इसे यहाँ पे डबल क्लिक किया, ठीक है, एंड इसे यहाँ पे हम लोग कट करेंगे, ठीक है, एंड इसे इटैलिक से हटाएंगे एंड जस्ट इसे हम लोग एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेंगे, ठीक है, एंड जस्ट मैं यहाँ पे इसे हिट कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप जब इस टाइप के एलिमेंट को यूज करो एरो को तो उसी फॉन्ट का वेरिएशन ही आप यहाँ पे यूज करोगे तभी आपके डिज़ाइन पे वो फील आएगा, ठीक है, अदरवाइज वो फील आना बंद हो जाएगा। तो इस टाइप के पोस्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने इस टाइप के कंटेंट को रेडी किया एंड अगेन यहाँ पे कस्टम शेप पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कस्टम शेप में कस्टम शेप यहाँ पे अवेलेबल रहता है, ठीक है, इस टाइप के सर्कल, तो जस्ट मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ शिफ्ट को होल्ड करके, ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं कंटेंट को शिफ्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटेंट को टाइप कर रखा था 50% ऑफ प्रो, आप इससे कदर को वाइड भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, मैंने यहाँ पे वाइट ही कर लिया है 50% ऑफ एंड जस्ट यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट एक बटन क्रिएट करेंगे, इसे राउंड कर लेंगे, ठीक है, 100% एंड जस्ट इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे कंट्रोल को होल्ड करके, ठीक है, एंड इसे नीचे प्लेस करके एंड अगेन यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टाइप करेंगे और, ठीक है, मैट्रिक्स का ही, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट का कलर वाइट ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं फॉन्ट का कलर वाइट यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे ऑर्डर नाउ, ठीक है, इसके साइज को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे एंड यहाँ से बुक लिया एंड दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लेंगे, ठीक है, मैंने इसे भी यहाँ पे इटैलिक ही यूज किया है, ठीक है, आप इसे नॉर्मल भी कर सकते हो यहाँ पे बटन को, ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर रहा हूँ। आप जब भी बटन क्रिएट करो तो मेक श्योर आप ध्यान देना कि आप बटन जब क्रिएट करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट और जो शेप रहता है उसके इक्वल ही यहाँ पे वो क्रिएट कर लेता है, ठीक है, तो इससे वो फीलिंग आना आपके डिज़ाइन में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर आप जब भी बटन क्रिएट करो तो आप ब्रीदिंग स्पेस दो शेप और टेक्स्ट के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट किया और इसके बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया है, ठीक है, ताकि ये फील दे, ठीक है, ज़्यादा भी स्पेस मत देना कि दे देना कि वो मतलब ख़राब लगे, ठीक है, तो आप मेक श्योर ध्यान रखना कि इतना ही स्पेस देना कि डिज़ाइन पे वो डिज़ाइन को पे देखने में अच्छा लगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज किया एंड यहाँ से मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर लिया एंड इसे यहाँ पे हिट कर लेंगे, ठीक है, एंड इस शेप को थोड़ा सा हम लोग और स्मॉल कर सकते हैं, इसे जूम करेंगे एंड इसे थोड़ा सा स्मॉल करेंगे, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे हम लोग एक और लाइन शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एज अ एलिमेंट यूज डिज़ाइन पे लुक देने के लिए, ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट किया और पेंट टूल पे जाएंगे, ठीक है, फिल में जा करके इस कलर को फिल करेंगे एंड यहाँ पे रैंडमली मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप का, ठीक है, आप इस टाइप से ऑल्ट को होल्ड करके से क्लिक कर कट करोगे एंड देन यहाँ पे ऐसे इस टाइप के शेप को आप क्रिएट कर सकते हो, तो प्रेस कंट्रोल टी करके मैंने यहाँ पे इसे
प्लेस किया, ठीक है, ऐसे एक ऑल्ट को होल्ड करके और कॉपी करेंगे, प्रेस कंट्रोल टी करके इसे वर्टिकल कर लेंगे, ठीक है, वर्टिकल करके मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल करूँगा, ठीक है, एंड अगेन इसे डुप्लीकेट करेंगे और इसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्मॉल करके इसे हिट कर लेंगे। ऑल राइट, तो अपने इस टैब को यहाँ पे एज एलिमेंट यहाँ पे बस मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करके यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड कंटेंट को आप थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने जस्ट इसे सारे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये इस टाइप के पोस्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें एक और फील देने के लिए, मॉडर्न फील देने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पे स्विगी टाइप करेंगे, ओके, मैंने स्विगी टाइप किया, प्रेस कंट्रोल टी करके से हम लोग थोड़ा बिगर करेंगे, ठीक है, एंड इसे हम लोग इस शेप के ऊपर में इसे प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पे जस्ट इसे यहाँ पे प्लेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसके ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिल को बंद कर लेंगे, ठीक है, एफेक्ट्स पे जा करके स्ट्रोक पे जाएंगे एंड यहाँ से वाइट कर लेंगे, ठीक है, साइज मैंने 3 पिक्सल लिया है, यहाँ पे क्लिक इट ओके, ऑलराइट, इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे एंड इसे एक और डुप्लीकेट करेंगे प्रेस कंट्रोल जे से, प्रेस कंट्रोल टी करके से नीचे ड्रैग करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड इस वाले बर्गर को हम लोग यहाँ पे लॉक कर रहे हैं, ठीक, एंड इस वाले स्विगी को, ऊपर वाला जो स्विगी है, इसे राइट क्लिक करके वेस्ट प्राइस टाइप करेंगे, ओके, एंड यहाँ पे मार्कल टूल पे क्लिक करके इस वाले एरिया को जो ये डिस्टर्ब कर रहा है मैं इसे रिमूव करूँगा, ठीक है, तो जस्ट यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे एक इस टाइप से एंड प्रेस कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा एंड इसे हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, एंड अगेन इस वाले के साथ भी आप कर सकते हो, राइट क्लिक करेंगे रेस्ट्राइज टाइप मार्केट टूल एंड इस वाले पोर्शन को यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेंगे, ठीक है, एंड अगेन इसे डुप्लीकेट करेंगे प्रेस कंट्रोल जे से और इसे हम लोग यहाँ से ऊपर प्लेस कर लेंगे, ठीक है, एंड देन इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल्ट के बटन को होल्ड करके यहाँ से आप क्लिपिंग मास्क कर लोगे, ठीक है, एंड अपने अकॉर्डिंग इसके ओपेसिटी को आप ड्रॉप कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 80-90% पे यहाँ पर आप इसे फिल कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस टाइप के डिज़ाइन को आप इजिली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने बहुत ही कम समय में आपको बताया है कि इस टाइप के डिज़ाइन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग इसे आप एडजस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है, एंड कंटेंट को मैं यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। कलर कॉम्बिनेशन, आप स्विगी के बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है, हर एक ब्रांड का अपना कलर होता है तो उसके कलर कोड के अकॉर्डिंग ही आपको इस डिज़ाइन को ब्रांड के लिए पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है, सो आप इस टाइप के पोस्ट को इजिली क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एक मैं सेकेंड पोस्ट भी आपको क्रिएट करके दिखा सकता हूँ कि इसके दूसरे वेरिएशन में आप कैसे इसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे ये एक पोस्ट क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, स्विगी का जो कलर था वो मैंने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, एक न्यू लेयर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे एंड यहाँ से ब्रश टूल पे जाने के बाद आप इस कलर को जैसे मैंने यहाँ पे ऑफ किया, ठीक है, यहाँ से कलर ब्रश टूल पे जाओगे, यहाँ से कलर यहाँ से पिक करोगे इस कलर को और इसके थोड़ा सा लाइट वेरिएशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड ऑल्ट को होल्ड करके ब्रश को बड़ा करके आप जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर लो, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से इफेक्ट, तो हम दोनों को लॉक कर लेते हैं एंड जस्ट वही टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे से यहाँ पे प्लेस किया, स्विगी के कलर को मैंने यहाँ पे वाइट किया है, ठीक है, एंड सारे कुछ सेम है, ठीक है, एंड जहाँ यहाँ पे जो हम लोगों ने क्रिएट किया है वो यहाँ पे हम लोग प्लेस करके इस टाइप के सेकंड पोस्ट हम लोग यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, तो आप दो टाइप के डिज़ाइन अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, तो इस टाइप से भी अपने डिज़ाइन को क्रिएट करके आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि कैसे मैंने यहाँ पे कम समय में आपको एक ब्रांड के लिए हम लोग कैसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं वो भी कम समय में, ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना
एंड हाँ, अगर आप इससे रिलेटेड और भी कंटेंट चाहते हो तो प्लीज़ इस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोशिश करूँगा इस टाइप के कंटेंट और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको सिखाने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।